धीरे धीरे राम जी जनकपुर पहुंच गए। जनकपुर क्या है? भक्ति का नगर है जनकपुर। जनकपुर के राजा हैं जनक, जनक की ही नंदिनी श्री सियाजू हैं। लेकिन देखो कितनी अद्भुत बात है, जनक जी से किसी ने पूछा कि तुमने अपने घर पर सियाजू को प्रकट करवा लिया भक्ति के बल पर आप राम जी को मिलने नहीं गए? अयोध्या में राम जी प्रकट हो गए, दर्शन कराओ। जनक जी ने बड़ा गजब का जवाब दिया, बोले अब हमें राम जी के पास जाने की जरूरत नहीं है, हमारे घर भक्ति प्रकट हो गई, एक दिन राम जी ही दूल्हा बनकर के हमारे घर आएंगे। भगवान गुरु जी के साथ में जनकपुर पहुंचे। महाराज जनक को पता लगा, स्वागत किया, लेकिन तब तक सामने से राम जी को आते देखा। जैसे ही जनक जी ने राम जी को देखा, बड़ी बड़ी आंखें देखी, घुंघराली लटकें देखी, लाल लाल होठों को देखा, बड़ा दिव्य मनोहर रूप देखा, देख करके चकित हो गए जनक जी। महाराज कौन है ये? तब जनक जी को जवाब दिया विश्वामित्र ने, जनक जी यह दोनों बालक दशरथ जी के हैं, इनका नाम राम है, इनका नाम लक्ष्मण है, हमारी यज्ञ के लिए आए हैं। अच्छा महाराज, अगर महाराज आपकी आज्ञा हो, राजकुमार सुंदर हैं, वन में कहाँ रहेंगे, भवन खुलवा दें। खुलवा दूं। अब जब शाम होने वाली थी तो राम जी गुरुजी से बोले, गुरुजी लक्ष्मण जी भैया की इच्छा है कि तनक हम नगर देख लें कैसा है जनकपुर, बड़ा नाम सुना। गुरुजी बोले तुम्हें देखना है कि लक्ष्मण जी को? राम जी बोले देखना तो लक्ष्मण जी को है। तो गुरुजी बोले जब लक्ष्मण जी को देखना तो तुम क्यों जा रहे? नहीं नहीं हम दिखा करके आ जाएंगे। ठीक है जाओ। जनकपुर में राम जी और लक्ष्मण जी बिहरे, और जैसे ही जनकपुर वासियों को पता लगा कि जो दोनों सुंदर राजकुमार आए थे वो नगर में घूमने के लिए निकले हैं, तो जितनी भी जनकपुर की रहने वाली मिथिलानियां थी, जितनी भी स्त्रियां थी, युवक थे, बालक थे, सब भगवान को देखने के लिए उमड़ पड़े। राम जी को देखने के लिए नगरवासी आए तो कुछ सखियां अटारी पर छत पर ऊपर चढ़ गईं। अच्छा राम जी हैं सीधे, हमारे कृष्ण भगवान हैं टेढ़े, ठाकुर जी चलते कहीं और हैं, देखते कहीं और हैं, राम जी इतने सीधे हैं कि चलते कहीं हैं, देखते नीचे। अच्छा जब नीचे देख रहा हो, देख रहे हो और कोई ऊपर खड़ा हो तो उनको दर्शन होने वाले, तो सखियां आपस में बात करती हैं कि दर्शन होना चाहिए, पर सखियों ने कहा कैसे होंगे। एक सखी बोली होंगे, उसने कहा कैसे होंगे, बोले हम इनके बाप का नाम जानते, इनका नाम भी जानते, इनके बाप का नाम भी जानते। लक्ष्मण जी धीरे से बोले राम जी भैया भैया। राम जी बोले क्या बात है? लक्ष्मण जी बोले कुछ लोग ऊपर भी हैं, तनक दर्शन दे दो। राम जी बोले चुप सीधे चलो। लक्ष्मण जी बोले आप भले ही ना देखो पर हम तो देख रहे। राम जी ने नहीं देखा तो सखियां बाप का नाम लेने लगी। सखी दूसरे से बोली, बात कह रही राम जी को पर इशारा कर रही बगल वाली को, अरे सखी तुझे पता है ये जो दोनों सुंदर राजकुमार आए हैं इनके पिताजी कौन हैं? तीसरी बोली कौन है? ये दोनों दशरथ जी के बेटे हैं। लक्ष्मण जी बोले लो कुंडली खुलने लगी, अब तो देखो ऊपर। राम जी बोले चुप सीधे चलो, नहीं देखना है। जब नहीं देखा तो तीसरी सखी बोली, अरे ये तो देख ही नहीं रहे, क्या बात है? एक बोली एक काम करो अभी देखते हैं। बोले क्या? चौथी सखी बोली हम इनकी माता जी का नाम जानते हैं। चौथी सखी गाने लगी, ये जो आगे जा रहे हैं इनकी माता जी का नाम कौशल्या है। लक्ष्मण जी बोले अब तो देखो। पांचवी सखी बोली इनका नाम लेके बुलाओ। छठवीं बोली हम नाम जानते हैं, क्या नाम है? इनका नाम राम है। लक्ष्मण जी बोले भैया तुम्हें बुला रही देखो तो। राम जी बोले हम नहीं देखेंगे। लक्ष्मण जी का नाम लिया सखियों ने। सातवीं सखी बोली ये जो पीछे गोरे गोरे दिख रहे हैं इनका नाम लक्ष्मण है, इनकी माता का नाम सुमित्रा है। लक्ष्मण जी तुरंत हाथ लाके बोले हम तो देख रहे हैं, हमारी कुंडली का यहाँ खोल रही जे ही नहीं देख रहे। सखियां सोचने लगी कैसे देखेंगी। आठवीं सखी ने एक उपाय किया। क्या उपाय किया? आठवीं सखी भागी भागी नीचे गई, फूल तोड़ करके लाई और पुष्प तोड़ करके ला करके उसने झवलिया में भर लिया। सबको थोड़ा थोड़ा पुष्प दिए और जैसे ही उसने पुष्प बरसाए
तुरंत राम जी ने उन सखियों की ओर नजर मार दी। जब पुष्पों को बरसाया तब ही राम जी ने देखा, नाम लिया नहीं देखा, बाप का नाम लिया नहीं देखा, माता जी का नाम लिया नहीं देखा, पर पुष्प बरसाने पर ही क्यों देखा। पुष्प का एक नाम है सुमन, और सुमन का मतलब जब राम जी के चरणों पर अपने सुंदर मन को चढ़ा दिया तब राम जी ने उनकी ओर देखा। वापस आए, अब धनुष यज्ञ का दिन आ गया। बोलो सीताराम। सब लोग धनुष यज्ञ को देखने के लिए जनक जी के उस महल के अंदर आ गए। देश देश के राजा आए, राम जी भी लक्ष्मण जी अपने गुरु जी के साथ में, हमारे रघुनाथ जी भी गए। उसी समय राजा जनक के बंदी जनों ने घोषणा की, सुनो 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 सुनो, यह जो यज्ञशाला के बीच में धनुष दिखाई पड़ रहा ये कोई साधारण नहीं है, भगवान शंकर का धनुष पिनाक है। इस धनुष को जो भी प्रतिंचा पर चढ़ाएगा उस वीर के साथ महाराज जनक की सुंदर सुकुमारी कन्या जानकी का विवाह किया जाएगा और पूरे विश्व में वह विश्व विजेता माना जाएगा। उसी समय श्री सियाजू सखियों के साथ आई, अष्ट सखियों के साथ श्री जानकी जू हमारी किशोरी जू विराजमान भई। सुंदर रूप को देख करके राजा ललायत हो गए, राजाओं ने कमर कस ली। एक राजा सबसे आगे उठा, धनुष को देखा, उठाया, उठाना तो दूर की बात है, तिल भर डिगा नहीं पाया। सब राजा एक एक करके गए पर कोई भगवान शंकर के धनुष को डिगा नहीं पाया, उठा नहीं पाया। सब राजा श्रीहीन हो गए, पसीना मार गया। राजा जनक को क्रोध आ गया। राजा जनक जी ने मन में विचार किया, धनुष जिनको उठाना चाहिए वो उठ ही नहीं रहे, अब वो उठेंगे कैसे। तो राम जी हैं पताका, लक्ष्मण जी हैं उस ध्वजा के डंडा। अच्छा, पताका झंडा तभी उठेगा जब डंडा उठेगा, तो राम जी हैं झंडा, लक्ष्मण जी हैं डंडा। जनक जी ने सोचा जब तक डंडा नहीं उठेगा झंडा कहां से उठेगा। अब जनक जी ने दाव खेला, ए सभासदों, देश देश के राजाओं, सुनो, आज के बाद कोई अपने आप को वीर मत कह लेना, हमने देख लिया यह पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, कोई वीर नहीं है। जनक जी कह रहे राजाओं के लिए, देख रहे लक्ष्मण जी की तरफ, असर हो रहा कि नहीं हो रहा। जनक जी ने खूब बातें कर ली कि आज के बाद कोई वीर मत कहना, लक्ष्मण जी की भौएं टेढ़ी हो गई, आंख ऊपर की तरफ उठ गई। जनक जी समझ गए इंजन गरम हो गया, खड़े हो गए और आज सम्मान से बात नहीं किया। लक्ष्मण जी बोले, ऐ जनक, जब से खड़े भए हो बक 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 बट 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 किए जा रहे हो, पटर 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 बोले जा रहे हो कि कोई पृथ्वी पर वीर नहीं है। जनक जी, जब तक इस पृथ्वी पर रघुवीर है, वीरों से पृथ्वी खाली है। जहां साक्षात रघुवीर बैठे हो तुम कहते हो पृथ्वी वीरों से खाली है, ऐसे कैसे खाली है। तुम कहते कोई धनुष नहीं उठा पाया, धनुष तो ठीक है, अगर राम जी की आज्ञा हो जाए तो हम पूरे ब्रह्मांड को ही गेंद की तरह उठा लेंगे। और जैसे ही लक्ष्मण जी बोले पृथ्वी डोल गई, राजा और डर गए, हे भगवान। लेकिन सबसे ज्यादा खुश है तो श्री जानकी जी, बोले वाह देवर जी, गजब कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लगे रहो। जानकी जी को बड़ा आनंद आया, राजा डर गए, बीपी हाई हो गया, अब क्या होगा। राम जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया, बैठ जाओ। लक्ष्मण जी बैठ गए। अब गुरु जी ने कहा, राम उठो, समय आ गया। किसका? श्री राम, उठो, उठ करके धनुष को तोड़ो और जनक के संताप को दूर करो। राम जी उठे, ऐसे चले जैसे कोई गज चल रहा हो। राम जी गए, धनुष को देखा, उठने के पहले बाद में गुरु जी को प्रणाम किया, धनुष के पास गए, परिक्रमा की, धनुष की तरफ देखा। राम जी धनुष के पास पहुंच गए, लक्ष्मण जी खड़े हो गए, पृथ्वी को संकेत कर दिया, सावधान। शेषनाग को कह दिया, शेषावतार है लक्ष्मण, जीवाचार है लक्ष्मण, सावधान,
प्रभु श्री राम धनुष को उठाने वाले हैं। देवता आकाश में आ गए, राजा सावधान हो गए। जानकी माता प्रार्थना करती, हे गणेश भगवान आज कृपा कर देना, आज तक के लिए ही आपकी पूजा की। जनक जी सावधान, गुरु जी मुस्कुराते हुए बैठे हैं, सब राजा बैठे हुए हैं, राम जी धनुष की तरफ देख रहे हैं। दोनों हाथों से पकड़ा, राम जी ने धनुष उठाया, कब तोड़ा कब फेंका किसी को पता नहीं चला, धनुष टूट गया। देवताओं के कानों में टंकार पहुंच गई, सबने अपने अपने कानों में हाथ लगा लिए, देवता प्रसन्न हो गए, पुष्पों की वर्षा हुई, फूल बरस गए, राजा चकित हो गए, लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे, राम जी हर्षाने लगे, सियाजू जय जयकार करने लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूले। जय श्री राम।